नमस्ते, आप सभी को मेरा प्रणाम। एक प्रश्न जो मुझे सबसे ज्यादा पूछा गया वो था अभिचार क्रिया के बारे में। अभिचार क्रिया मतलब मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन और विद्वेषण। काफी लोगों को ये लग रहा है कि उनके ऊपर किसी ने अभिचार क्रिया का प्रयोग किया है, और अगर किसी ने अभिचार क्रिया का प्रयोग किया है तो उसे निवारा कैसे जाए, उसका उपाय क्या लाया जाए। अगर आपके आसपास कोई भी नकारात्मक ऊर्जा विद्यमान है, अगर आपके आसपास कोई भी नेगेटिव एनर्जी विद्यमान है, तो उसे दूर करने के लिए एक सटीक उपाय, एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली प्रयोग जो हमारे शास्त्रों में दिया गया है वो है दुर्गा कवच। दुर्गा कवच में माँ नौ दुर्गा की शक्तियों का समावेश किया गया है, और उसी में एक श्लोक आता है, प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुशमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गाः प्रकीर्तितः उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। ये कहा जाता है कि दुर्गा कवच के रिसाइटेशन से, मतलब उसके उच्चारण मात्र से, आपके आसपास अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं विद्यमान होंगी तो उसका असर आपके ऊपर कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसी कवच के आखिर में एक बहुत ही सुंदर वर्णन आता है अभिचार क्रिया के बारे में। अभिचाराणि सर्वाणि मंत्र यंत्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्ष चरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलः ग्रहभूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसाः ब्रह्म राक्षस वेतालाः कुष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नति भवेद् राज्यं तेजो वृद्धि करम परम। इस कवच का पाठ, अगर आपको ये लग रहा है कि आपके आसपास बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं विद्यमान है, तो हर रोज प्रतिदिन 9 पाठ आपको करने होंगे। और अगर आपको ये लग रहा है कि शायद आपके ऊपर कोई शत्रु की हानि का भय आपको सता रहा है, या फिर कोई नकारात्मक ऊर्जा का भय आपको सता रहा है, तो हर रोज आपको 3 पाठ अगर आप इसका उच्चारण करोगे और 108 दिन तक लगातार इसको इन्वोक करना है। इन्वोकेशन के पीछे का सत्य यह है कि अगर आप किसी चट्टान के ऊपर, किसी पाषाण शिला के ऊपर आप एक बार सिर्फ पानी की बूंद डालो तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता, उसकी कोई असर नहीं देखने को मिलते। लेकिन उसी चट्टान के ऊपर आप लगातार पानी की बूंद गिराते रहो तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा जहां पे उस चट्टान के अंदर भी छेद बन जाएगा। तो मंत्र ऊर्जा का विज्ञान भी यही कहता है, आपको एक या दो बार के उच्चारण से शायद इसका कोई फल ना मिले, इसकी कोई असर आपको ना देखने को मिले, लेकिन अगर आपने 108 दिन तक हर रोज इसके 9 उच्चारण करें तो आप अपने आसपास से बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज को और साथ में अभिचार क्रिया को भी बाउंस बैक करने में समर्थ हो जाओगे, सक्षम हो जाओगे। और एक माँ का स्वभाव ही यही रहता है कि अगर वो अपने बच्चे की रक्षा के लिए उतर आए तो वो शेरनी बन सकती है, और एक माँ की ऊर्जा के सामने, एक माँ की ममता के सामने टिकना किसी भी नकारात्मक ऊर्जा के लिए खाने का खेल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि एक माँ सबसे ज्यादा शक्तिशाली तभी होती है जब वो अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए उतर आती है। और इसी कवच के अंदर आपको एक बहुत सुंदर श्लोक मिलेगा जो कहता है, नमस्ते तू महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। अगर आपको किसी भी प्रकार का भय सता रहा है, अगर आपको किसी भी प्रकार का डर सता रहा है, तो उस डर का विनाश करने के लिए आपको दुर्गा कवच अवश्य करना चाहिए, उसका पाठ आपको रेगुलरली करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। जैसा मैंने आपको कहा कि अगर आपको ये लग रहा है कि अगर आपके ऊपर अभिचार क्रिया करी गई है, तो हर रोज के 9 पाठ
डेली, सुबह या शाम, जब भी आपको अनुकूल स्थिति हो, आपके लिए समय अनुकूल हो, तब आप कर सकते हैं। और 108 दिन तक इस पाठ का आपको कंटिन्यूअसली जाप करना होगा। उसके बाद ये जो पूरा एक कवच रहता है वो आपका, आपके चित्त के साथ, आपके आत्मा के साथ वो जुड़ जाएगा। और फिर 108 दिन के बाद आप हर रोज उसका 3 बार पाठ कर सकते हो, 1 बार पाठ कर सकते हो, लेकिन पाठ करना छोड़ना नहीं है आपको। इससे ये होगा कि आपके आसपास कोई भी नकारात्मक एनर्जी अगर होगी तो वो दूर हो जाएगी, और अगर किसी ने कुछ करने का प्रयास भी किया तो वो विफल हो जाएगा। आशा है कि आपको आपके बहुत सारी परेशानियों के उत्तर इस वीडियो से मिले होंगे। तो आपको जहाँ पे भी ये लग रहा है कि आपके आसपास के लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है, इस उपाय की ज़रूरत है, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और आपके आपको अगर कोई भी परेशानी और कोई सता रही है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि हम उसका उपाय आगे कोई वीडियो में बता पाए आपको। थैंक यू। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे जिनको इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू। ओम श्री मातृ नमः।